पूर्वी और मध्य राज्यों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिनों से लगातार बूंदाबांदी के कारण सर्दी बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ही घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम हो गई। प्रदेश में आधे से अधिक हिस्सों में मावठा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। भोपाल, सागर, नर्मदापुरम के साथ ही इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। खजुराहो और सागर में 16.6 डिग्री, दमोह में 17.6, सतना में 17.8 डिग्री तापमान रहा। वहीं कुल 13 जिलों में दिन का तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला है। इसकी वजह से प्रदेश में कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं और कोहरे की वजह से जनजीवन बेहद प्रभावित हो रहा है। सितम जारी है, लगातार ओस जो है वो गिर रही है। वहीं बात करें अगर ओस से प्रभावित होने वाली फसलों में भी काफी नुकसान हुआ है। अफीम, इसबगोल, धनिया जैसी फसलों में भी नुकसान हुआ है। लगातार कोहरा बना हुआ है। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 बजे भी मौसम की स्थिति ऐसी है कि धूप बिल्कुल तरीके से खिली हुई नहीं है। लोग बिल्कुल ठंड से ठिठुर रहे हैं। विजिबिलिटी काफी लो हो चुकी है। कुछ लोग अलाव जलाकर ठंड से अपना काम चला रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि सर, किस तरीके की सर्दी देख रहे हैं और किस तरीके की ठंड पड़ रही है? बहुत जबरदस्त तरीके की अपन कह सकते हैं सर्दी है, क्योंकि विगत 7 दिन से मौसम लगभग ऐसा ही बना हुआ है और मौसम विभाग के जो अंदेशे के अनुसार लगभग सितंबर ऐसी रहने की संभावना है। निश्चित तौर पर बहुत ठंड है और ये जो सर्दी है, ये जो मौसम है, फसलों के लिए घातक भी अपन कह सकते हैं। फसलों के लिए घातक है। सर, आप बताएं, क्योंकि आप भी लगातार लाव के पास में खड़े हुए हैं और आप पूरी तरीके से सेफ्टी लगी हुई है, क्योंकि बाइक पे आप पहन कर ट्रेवल करते हैं। कैसा लगता है कि विजिबिलिटी भी काफी क्लो हो जाती है? बहुत ज्यादा एकदम से ठंड तो इतनी है कि कड़ाके की ठंड है। मतलब केवल बाइक ही नहीं, मतलब कार जो है उनको भी दिक्कत आ रही है। इतनी ठंड है और धुंध भी बहुत ज्यादा है, जिसके लिए अपन अलाव लगाकर ही छुटकारा पा सकते हैं। और अलाव जलाकर छुटकारा पा सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं आप, जिस तरीके से अलाव जलाकर लोग यहाँ पर जो है सर्दी का मजा ले रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप मेरे ये मेन रोड है, मेन रोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो आप देख रहे हैं कि बाइक की जो लाइटें हैं वो चल रही है। विजिबिलिटी काफी स्लो हो चुकी है। वहीं यातायात विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी प्रकार की सर्दी अगर या और ज्यादा होती है तो वाहनों का उपयोग जो है वो लाइट चलाकर करें और अपनी सावधानी से चले। वहीं स्कूल से जाने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आज से स्कूल भी शुरू हो गए, तो स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौसम टेम्परेचर की बात करें तो 12 डिग्री यहाँ पर सवेर का 7 बजे का जो मौसम था वो 12 डिग्री का टेम्परेचर था और अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे के आसपास भी टेम्परेचर 14 डिग्री है। तो यह कहे कि मौसम विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किए थे कि आने वाले समय में मौसम इसी तरह रहेगा। कमलेश मोदी, आईनेट न्यूज, मंदसौर।